आग से आम जनता की सुरक्षा की शिक्षा प्रदान करने तथा प्रशिक्षित युवकों को पक्की नौकरी दिलाने का संकल्प सरकार एवं समाज के लिए एक नया अनुभव साबित होगा। ये बातें मंगलवार की शाम सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने मांझी चट्टी पर ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी की शाखा का विधिवत उद्घाटन करने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने उक्त जनोपयोगी संस्थान को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अपने संबोधन में संस्था के निदेशक रोहित शर्मा ने कहा कि हम यहां के एक युवा को रोजगार दिलाने हेतु कृत संकल्पित है। किसी को रोजगार बेरोजगार नहीं रहना है। समारोह को गोरखपुर प्रधान कार्यालय के प्रबंधक केशव मणि तिवारी, भाजपा नेता हेम नारायण सिंह, प्रोफेसर शिवाजी सिंह, अमरनाथ तिवारी, धमेंद्र सिंह समाज, अरुण सिंह, नागेंद्र सिंह तथा आकाश सिंह समेत कई अन्य लोगों ने संबोधित किया। समारोह की अध्यक्षता भागवत तिवारी तथा संचालन शिक्षक रंजन शर्मा ने किया। मांझी से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। सर, आज सारण अकेडमी का उद्घाटन किया गया, युवाओं को क्या संदेश? देखिए, युवाओं के लिए रोजगार उन्मुख संस्था है, जो हमें लगता है कि इससे ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी अकेडमी, इससे हम नौजवानों को रोजगार से जोड़ेंगे। नौजवानों के अंदर के जो गुरूर है उसको विकसित करेंगे, यानी हमें उनके अंदर उसके स्किल्ड को डेवलप करने का काम करेंगे। बढ़िया प्रशिक्षण इस संस्था से मिलेगा, हमें लगता है रोजगार रोजगार भेज पाएंगे और वह आगे अपने और समाज विकसित करने का काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री भी आत्मनिर्भर भारत की तरफ लगातार उनके सोच प्रयास और कदम आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने कहा कि आज डिफेंस के क्षेत्र में भी, जहां हमें एक गोली भी बाहर से मंगाना पड़ता था, आज हम बड़े बड़े जहाज, लड़ाकू जहाज विदेशों को दे रहे हैं। यह हमारी आत्मनिर्भरता आज इतना बड़ी है। आज हमें अन्य क्षेत्रों में भी, पहले अगर इसी देश में पहले अगर अकाल पड़ा और ऐसे महामारी आई तो बाहर से कनाडा का बाहर बड़ा बड़ा दाना वाला मक्का और मसूरी आया था, और आज हम दुनिया के सैकड़ों देशों को भी खिला रहे हैं और भारत के भी 80 करोड़ राशन कार्ड धारियों को फ्री में दे रहे हैं। आज अगर हमें कोरोना रूपी महामारी आई तो दुनिया में पहले कोई महामारी आती थी तो भारत सबसे बाद में अपने यहाँ टीका लगाता था, और आज हम सबसे पहले अपने यहाँ अपने निर्माण कराए, यह सबसे बड़ी बात है। भारत का बना वैक्सीन आज दुनिया के सैकड़ों देशों को, लोगों को बचाया और अपने देश के भी 144 करोड़ लोगों को बचाने का काम किया, यह हमारी आत्मनिर्भरता है। और इसी तरीका से आज जो ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी का संस्था आज यहाँ खुला है, यह उसी दिशा में एक कदम है। मैं नौजवानों का आह्वान करूंगा कि आप इस संस्था से जुड़िए, अपने अंदर के कलुषित और संकुचित भाव को विकसित करिए, अपने अंदर के स्किल्ड को डेवलप करिए और रोजगार पाइए, रोजगार दीजिए। मैं यही आज के यहाँ के नौजवानों को कहूँगा। मैं आप सबको भी बधाई करता हूँ, और इसलिए बधाई करता हूँ, आज विश्वकर्मा भगवान के जो शिल्पी के देवता, उनका भी जन्म है, उनके भी आज का दिन है, और आज अनंत चतुर्दशी का भी दिन है। और दूसरा सबसे बड़ा, आज समाज और देश को शिल्प के जैसा सींचने वाले, एक शिल्प के जैसा बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी का भी आज जन्मदिन है, जिसे हमें एक पखवाड़ा, जो सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रहे हैं। रोज कोई ना कोई काम सेवा के रूप में 15 दिन तक लगातार, आज 17 से लेकर के और 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें भी हम सब हर जगह जाएंगे, मिलेंगे और लोगों को आगे बढ़ने के लिए उनको जागरूक भी करेंगे और उनकी समस्याओं के निदान के लिए कदम भी बढ़ाने का काम करेंगे। धन्यवाद। आज हम लोग ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी एकेडमी, जिसका हम लोग मांझी चट्टी पे उद्घाटन किए हैं, इसके उद्घाटन के मुख्य अतिथि हमारे माननीय सांसद सिग्रीवाल जी थे। ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी एकेडमी जो सेफ्टी के क्षेत्र में काम करता है, सेफ्टी इंजीनियरिंग डिप्लोमा के कोर्सेज को कराता है और 100% प्लेसमेंट देने का प्रॉमिस करता है। 1 साल की कोर्स होती है, 6 मंथ एकेडमी हम लोग बनाते हैं और उसके बाद फिर आपको प्लेस करते हैं कंपनी में। कंपनी बहुत सारे टाइम भी हमारी कंपनी होती है, जैसे L&T हो गए, दुशांस हो गए, टाटा मोटर्स हो गए, इन सारी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें हम लोग बच्चों को इंटरव्यू के थ्रू उनकी जॉब्स प्लेस कराते हैं। इसका मुख्य जो ब्रांच है जिसमें गोरखपुर में हम लोग बहुत सफलता पाए हैं और हमारे करीब 1000 स्टूडेंट्स अभी हर एक डिफरेंट कंपनी में प्लेस्ड हैं। ये संस्था 4 साल पुरानी संस्था है, जिसका एक जिसकी चौथी ब्रांच है, ये चौथा ब्रांच ये जो आपको मांझी चट्टी पे खुला हुआ है, इसका एक ब्रांच हथरस UP में है
दूसरा ब्रांच अंबाला में है, थर्ड पंजाब में है और फोर्थ ब्रांच इसकी दिल्ली में। सैलरी कितना मिलता है लोगों को? अगर आप किसी कंपनी में अगर इंटरव्यू के साथ और आपके जैसे इंटरव्यू पे डिपेंड करती है कि आपकी सैलरी क्या है। बेसिक्स आपको 18 प्लस फूडिंग लॉजिंग के साथ एज ए सेफ्टी इंजीनियर को कंपनी बुलाती है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।